अब मैं यहाँ पे बाईटेक डॉट पी के पे ग्रेविटी फॉर्म जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है मैंने, और अब मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्म बना के दिखाता हूँ। एक फॉर्म है जी, मैं किसी इवेंट पे का बनाता हूँ, इवेंट 101। क्रिएट फॉर्म कर दिया मैंने, अब यहाँ पे भी वही चीज़ आ गई आपके सामने। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी तीन तरह की ट्रेनिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं वर्डप्रेस ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, मैं अकाउंटिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, मैं गेम डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। अब उसमें क्या है कि मैं चाहता हूँ कि जब कोई वर्डप्रेस ट्रेनिंग पे क्लिक करे तो उससे रेलिवेंट नीचे फॉर्म खुले, जब गेम पे करे तो उससे रेलिवेंट और अकाउंटिंग पे रेलिवेंट। मतलब ये ना हो कि तीनों की ऑप्शंस आ रही हों इतनी ज़्यादा और जिस बंदे ने अकाउंटिंग नहीं भी करनी उसको भी वो चीज़ नज़र आ रही हो। तो सबसे पहले मैं तीन ऑप्शंस क्रिएट करता हूँ, रेडियो बटन लगाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ विच कोर्स डू यू वांट टू ज्वाइन और टेक एडमिशन। तीन ऑप्शन है मेरे पास। पहला है यहाँ पे वर्डप्रेस ट्रेनिंग का, दूसरा यहाँ पे मेरे पास अकाउंटिंग ट्रेनिंग का, और तीसरा है यहाँ पे गेम डेवलपमेंट ट्रेनिंग का। ठीक है, अब ये रिक्वायर्ड है क्योंकि इस पर क्लिक करेंगे तो आगे मेरा फॉर्म ओपन होगा। अब नाम, फादर्स नेम, एड्रेस और मतलब चीज़ें जो हैं वो तो हर ट्रेनिंग में लाजमी है। जो लास्ट पे ट्रेनिंग के डिफरेंट लेवल्स हैं वो चेंज होने चाहिए। तो सबसे पहले नाम ऐड करते हैं, और नाम मैंने लिख दिया नेम, मतलब फुल नेम रिक्वायर्ड है जी। ज़्यादा से ज़्यादा 15 करेक्टर का नेम होना चाहिए, उसे बड़ा नेम ना लिखे, डिपेंड करता है आपके ऊपर। एड्रेस चाहिए मुझे, एड्रेस आ गया, अगर तो लाजमी है तो रिक्वायर्ड, मैक्सिमम 50 करेक्टर होने चाहिए। ये मैं वैसे बता रहा हूँ, आपने लगाना है तो लगा लेना। नेक्स्ट है जी, मुझे उसका फ़ोन नंबर चाहिए। नंबर की भी है फील्ड, लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ किस तरह अपने फ़ोन नंबर बनाना है, मास्क बनाना है कि उसी के अंदर रहते हुए वो अपना नंबर ऐड करे, बाहर ना जाए। यहाँ पे लिखता हूँ मैं फ़ोन नंबर। अब मुझे चाहिए कि कस्टमर जब फ़ोन नंबर की फील्ड पे क्लिक करे तो 03 जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाए और उससे आगे वो अपना नंबर स्टार्ट करे। उसके लिए मुझे मास्क बनाना पड़ता है, इनपुट मास्क। इनपुट मास्क वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे आप चाहते हो कि फॉर्म की फील्ड के अंदर जो जितने करेक्टर हमने कहे हैं वैसे वो लिखे, जो करेक्टर चाहे वो 1 2 3 या ABC अगर हमने कहा है तो सिर्फ वो लिखे। इनपुट मास्क पे क्लिक करो। अगर तो आपने कोई US और बाहर के ममालिक से रेलिवेंट कोई मास्क लगाना, आप यहाँ से लगा सकते हो। US फ़ोन करोगे तो US का फ़ोन नंबर का मास्क ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो क्लाइंट के ऊपर, जब क्लाइंट चाहता है US का फ़ोन नंबर हो तो आप यहाँ पे ये लगा सकते हो, प्लस एक्सटेंशन हो तो वो लगा सकते हो, डेट लगा सकते हो, टैक्स ID वगैरह लगा सकते हो, SSN वगैरह कुछ भी। हमने पाकिस्तानी होने के नाते पाकिस्तानी मास्क बनाना है तो हम कस्टम मास्क बनाते हैं। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 03 कि 03 लाजमी आए। अब इसके बाद मुझे चाहिए कि वो सिर्फ 1 2 3 लिखे, ABC ना लिखे, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा 99। माइनस आए उसके बाद, फिर 1 2 3 लिखे, कितनी दफा होता है जी, 7 इनसे आते हैं इसके बाद रिक्वायर्ड अपडेट। अब देखते हैं मैंने किया क्या, प्रीव्यू करता हूं।
नेम लिख लिया, एड्रेस लिख लिया, फोन नंबर, जैसे मैं क्लिक करूंगा देखना क्या चेंज होता, ऑटोमेटिकली 03 आ गया। आगे मैं एबीसी लिखूंगा, मैं दबा रहा हूं बटन, टी आर ई नहीं लिखा जा रहा, मैं दबाता हूं जी तो नंबर लिखा जा रहा है। तो ये मास्क होता है कि फॉर एग्जांपल ऐसे बच्चे आ जाते हैं, ऐसे कस्टमर आ जाते हैं, उन्हें नहीं पता चलता, वो शुरू में 92 डाल देते हैं, फिर उसके बाद आपने करेक्टर लिमिटेशन लगाई होती तो नंबर पूरा नहीं आता, काफी मसले होते हैं। तो इस तरह आप मास्क बना सकते हो, वो उसी हदूद के अंदर लिखेगा। अब मैंने मास्क बनाना है CNIC, देखो जो आईडी कार्ड नंबर है वो, उसका मास्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहां से ये सिलेक्ट करोगे, यहां पे CNIC आप लिखोगे और इनपुट मास्क पे क्लिक करो, कस्टम पे क्लिक करो, और यहां पे हमने अब CNIC का मास्क बनाना है। और CNIC क्या होता है, लिखा होता है 35202, ऐसे करके मास्क होता है, तो हम लिखेंगे 35202- इस तरह का मास्क होता है, रिक्वायर्ड अपडेट। प्रीव्यू करता हूं मैं यहां पे, और ये देखो तो ये CNIC नंबर आ गया, ये मेरा नहीं है, ऐसे कॉपी ना कर लेना, तो ये आपके सामने CNIC नंबर आ रहा है। तो देखो उसी चीज के अंदर है और कोई एबीसी भी नहीं है, लिख पा रहा, ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूं कि जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी का रोल नंबर होता है, कोई बच्चा वो रोल नंबर लिखे मास्क के अंदर रहते हुए, लेकिन उसमें एबीसी भी आती है, ये हेल्प पे क्लिक करके आप सारा पढ़ सकते हो। 9 एक न्यूमेरिकल, छोटा ए एक अल्फाबेटिकल, और स्टेरिक न्यूमेरिकल या अल्फाबेटिकल उसके लिए, और क्वेश्चन मार्क ऑप्शनल के लिए। अब देखो मैं चाहता हूं बच्चा अपना रोल नंबर लिखे इस तरह, जी पंजाब यूनिवर्सिटी का ऐसे रोल नंबर स्टार्ट होता है 9538-1, ऐसे होता है। मैं ये चाहता हूं तो मैं जनाब क्या करूंगा, इसको यहां पे कॉपी पेस्ट करता हूं, जी है तो जी की जगह मैं लगाऊंगा छोटा ए 1234 999-9, सॉरी ये 4 थे। अब देखो रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड फॉर्म प्रीव्यू प्रीव्यू रोल नंबर, ये देखो अब मैं 1 2 3 लिख रहा हूं, ये मैं बटन दबा रहा हूं, ये नहीं आ रहा क्योंकि पहला वर्ड है ही जी है, या मतलब एबीसी आ सकती है, तो यहां पे लिखा जी, या अगर एम लिखा हुआ है, कोई भी ऐसा नंबर है। अगर आप सिर्फ चाहते ही जी है कि जी के अलावा कुछ और ना आए, तो फिर आप ए की बजाय जी लिखोगे। तो अगर आप चाहते हैं कोई अल्फाबेट भी लग सकता है शुरू में पंजाब यूनिवर्सिटी के नंबर में, तो आप वो लिख लो, तो जी आगे नंबर। तो इस तरह आप मास्क बनाते हो, ठीक है जी। मास्क मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम जनाब, हाँ जी, जो हम करने जा रहे थे, अब वर्डप्रेस ट्रेनिंग से रेलिवेंट मेरे कुछ फॉर्म की फील्ड हैं, वो मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जी मैं क्वेश्चन पूछूं, नीचे भी आप रख सकते हो, मैं फॉर द टाइम यहाँ पे रखता हूँ इसे। मैं चाहता हूँ मुझे बताओ व्हाट डू यू नो अबाउट वर्डप्रेस, मतलब ट्रेनिंग देने से पहले मुझे बताओ से आपको वर्डप्रेस का कुछ पता भी है कि बस ऐसे ही आ गए, और रिक्वायर्ड है, और वो वहां पे जवाब लिखेगा। फिर है किस लेवल में आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो, ट्रेनिंग लेवल, हमारे पास डिफरेंट लेवल है फॉर एग्जांपल, तो क्या आप बेसिक लेवल पे आना चाहते हो, रजिस्टर होना चाहते हो, क्या आप मीडियम लेवल पे होना चाहते हो, फॉर एग्जांपल बनाए हुए मैंने कोई भी, और एडवांस लेवल पे आना चाहते हो। तो जनाब ये दो जो क्वेश्चन हैं वो मेरे हैं
वर्डप्रेस से रेलिवेंट। और मैं चाहता हूँ जब कोई बंदा आए फॉर्म पे, जब इस पर क्लिक करे तो ही फिर नीचे ये वाली ऑप्शन नजर आए, अदरवाइज ना आए। ठीक है जी, तो ये दो होगी इसके। अकाउंटिंग ट्रेनिंग की बात करते हैं, अकाउंटिंग ट्रेनिंग की बात करता हूँ कि जब अकाउंटिंग ट्रेनिंग वाला बच्चा आए और अकाउंटिंग ट्रेनिंग ऊपर सिलेक्ट करे तो यहां पे आए अकाउंटिंग ट्रेनिंग कोर्स लेवल। अब अपना लेवल सिलेक्ट करो जी। अकाउंटिंग ट्रेनिंग में हमारे पास बेसिक लेवल है, एडवांस लेवल है, प्रोफेशनल लेवल है, ईआरपी लेवल रिक्वायर्ड। ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ गेमिंग का है, तो गेमिंग के लिए ये है हमारे पास, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे लिखा सिलेक्ट योर गेम, के कौन सी गेम आप सीखना चाहते हैं बनाना। आ गया जी यहाँ पे एंग्री बर्ड आ गया, रेसिंग कार गेम सिखानी है हमने आपको, मतलब फाइनल प्रोजेक्ट जो है वो कौन सा, और 3D गेम्स रिक्वायर्ड। अपडेट फॉर्म, फॉर्म प्रीव्यू, अब देखो वर्डप्रेस ट्रेनिंग, अभी किसी पे भी क्लिक करूं तो सारी फील्ड ही नजर आएंगी क्योंकि मैंने कोई लॉजिक ही नहीं लगाई, कोई कंडीशन ही नहीं लगाई। तो ये भी नजर आ रहा है, 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 फिर नीचे फॉर्म। अच्छा जी, अब मैं करता हूं कि ये वाली फील्ड तब नजर आए जब इस वाली फील्ड में वर्डप्रेस ट्रेनिंग सिलेक्ट किया गया हो, ये वाली फील्ड तब नजर आए जब इस वाली फील्ड में वर्डप्रेस ट्रेनिंग सिलेक्ट किया गया हो, ये वाली फील्ड तब नजर आए जब अकाउंटिंग ट्रेनिंग सिलेक्ट की गई हो, ये वाली फील्ड तब नजर आए जब यहाँ पे गेम डेवलपमेंट ट्रेनिंग सिलेक्ट की गई हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी हम करना क्या चाह रहे हैं। तो ठीक है, जोन सी वाली नजर आए जिसकी बेस पे, तो यहां पे आप जाओगे जोन सी वाली नजर आए एडवांस एनेबल कंडीशनल लॉजिक शो दिस फील्ड इफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग मैच। नीचे आप कंडीशन बढ़ा सकते हो यहां से एनी या ऑल, विच कोर्स डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन। ये देखो विच कोर्स डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन, विच कोर्स डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन इज नॉट ग्रेटर देन लेस देन कंटेन्स स्टार्ट्स विद एंड्स विद, मतलब जितने भी आपकी जिंदगी के फैसले या कंडीशन है वो सारी इसमें है। मैं कहता हूँ विच कोर्स डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन इज इक्वल टू वर्डप्रेस ट्रेनिंग, मतलब वट डू यू नो अबाउट वर्डप्रेस तब नजर आए जब विच कोर्स डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन इज इक्वल टू वर्डप्रेस ट्रेनिंग, अदरवाइज नहीं नजर आएगा। ये वाला भी हो गया एडवांस कंडीशनल लॉजिक इज इक्वल टू वर्डप्रेस ट्रेनिंग, ये है अकाउंटिंग के लिए, तो यहां पे जाएंगे एडवांस अनेबल कंडीशनल लॉजिक विच कोर्स इज इक्वल टू अकाउंटिंग ट्रेनिंग क्योंकि अकाउंटिंग है, सिलेक्ट योर गेम एडवांस कंडीशनल लॉजिक इज इक्वल टू गेम डेवलपमेंट ट्रेनिंग, अपडेट प्रीव्यू। हाँ जी, फॉर्म छोटा हो गया आपका, वर्डप्रेस पे क्लिक करूं क्या नजर आएगा, सिर्फ वो दो फील्ड, व्हाट डू यू नो अबाउट वर्डप्रेस, वर्डप्रेस ट्रेनिंग लेवल। अच्छा, अब अकाउंटिंग ट्रेनिंग पे क्लिक करूं वो गायब हो गया वर्डप्रेस वाला, अब अकाउंटिंग का आ गया, गेम पे क्लिक करूं गेम का आ गया। तो जनाब इसे कहते हैं कंडीशनल लॉजिक्स इन ग्रेविटी फॉर्म, और जब आपके बहुत बड़े बड़े फॉर्म हो और सिर्फ रेलिवेंट डाटा शो करवाना हो, बहुत सी ऑप्शंस हो, क्लाइंट रिक्वायर करता, तो तब आप ये यूज करते हो। अब चाहे आप इसे पकड़ के सबसे लास्ट पे ले जाओ, अपडेट कर दो, अब वही चीज नीचे आना शुरू हो जाएगी, ये लास्ट पे आ गया, तो फॉर्म अपडेट हो गया। ठीक है जी, अब इसके अलावा यहां पे सेक्शंस बनते हैं, ये आपके सामने नजर आ रहा है। आप चाहते हो कि कुछ दो तीन ऑप्शन एक स्टेप में आए, फिर लिखा हो नेक्स्ट स्टेप, फिर दो ऑप्शन आए, फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर तीन आए,
मतलब कभी आप कहते हो पर्सनल इंफॉर्मेशन, फिर आगे लिखा होता है प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, फिर आगे लिखा होता है एजुकेशन इंफॉर्मेशन, उसके लिए आप क्या करते हो यहाँ पे पेज पकड़ते हो और यहाँ पे लगा देते हो। अब देखो स्टार्ट पेज, पेज ब्रेक, एंड पेज, तो ये हो गया पहला पेज। अब ये ब्रेक जहां पे लगेगी वहां पे दूसरा पेज, दूसरा स्टेप आ जाएगा। एड्रेस पे, एड्रेस पे लगाता हूँ पेज ब्रेक। अब इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से क्लोन कर लिया मैंने, और फिर उसके बाद मैंने रोल नंबर पे लगा दिया। अब देखो अपडेट फॉर्म करूँ, इसको रिफ्रेश करूँ, जनाब आपके सामने आ रहा है स्टेप वन ऑफ थ्री, तीन स्टेप, क्योंकि मैंने तीन, दो पेज ब्रेक लगाए, एक पहला हो गया, एक दूसरा, एक तीसरा। यहाँ पे ये सेट कर दिया, यहाँ पे ये मैंने फिल कर दिया, यहाँ पे ये फिल कर दिया, नेक्स्ट पे क्लिक किया अगला स्टेप आ जाएगा। यहाँ पे मैंने ये कर दिया, यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे ये आ गया और नेक्स्ट स्टेप। देखो हमने पहले स्टेप में वर्डप्रेस सेलेक्ट किया तो वर्डप्रेस की ऑप्शंस आ गई, तो सबमिट, इसके बाद ये सबमिट हो जाएगा, तो सबमिट भी आप कर लो। इस तरह आप पेजिंग भी कर सकते हो। अब पेज मुझे नहीं चाहिए, पेजिंग इसकी सेक्शंस नहीं चाहिए, तो मैं सिंपली जो जहां जहां मैंने सेक्शन लगाया वहां से मैं रिमूव कर दूंगा। और अपडेट, अब जनाब हम देखते हैं ईमेल हमने देखनी है कहां से आती है। अच्छा फॉर्म में मैं ईमेल लगाना भूल गया, हर दफा ही भूल जाता हूँ। यहां से ईमेल का टैग पकड़ा और ईमेल यहां पे मैंने लगा दी और ईमेल होगी रिक्वायर्ड और अपडेट फॉर्म लगी जी। अब हम जाते हैं फॉर्म सेटिंग में, नोटिफिकेशन में, एडमिन नोटिफिकेशन में, और ईमेल किसको जानी चाहिए, मेरी ही वेबसाइट है तो मुझे जानी चाहिए, तो मैं यहां पे लिख देता हूं अपना ईमेल आईडी। किसकी तरफ से जानी चाहिए, मैं चाहता हूं ब्रांडेड ईमेल आईडी की तरफ से ही जानी चाहिए। रिप्लाई किसको होना चाहिए, जिस बंदे ने फॉर्म फिल किया उसकी ईमेल का, ठीक है, जो उस फील्ड में रखेगा ईमेल के फील्ड में वो यहाँ पे आ जाएगा। और मुझे सारी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, कोड है इसको रिमूव नहीं करना, अदरवाइज आपको इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। अपडेट कर दिया, अब मैं जाता हूँ फॉर्म फिल करता हूँ। पहले मैं फॉर्म लगाता हूँ किसी पेज पे, मैं गया जी पेजेस पे, ऐड न्यू पेज किया मैंने, यहाँ पे लिखा मैंने इवेंट 101 रजिस्ट्रेशन, बैक एंड एडिटर, यहाँ पे विजुअल कंपोजर, यहाँ पे सर्च किया मैंने ग्रेविटी फॉर्म, ये मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे मैं अब फॉर्म का नाम सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे इवेंट 101, सेव चेंजेस, पब्लिश। अब देखो जी, तो कस्टमर या क्लाइंट या स्टूडेंट या जिसने भी रजिस्ट्रेशन करवानी हो इस पेज पे जाएगा। आप ये पेज का लिंक मेन्यू में भी लगा देना जहां पे लगाना हो, और उसको ये फॉर्म नजर आएगा, अब वहां जाके ये क्लिक करेगा और अपना फॉर्म फिल करेगा। और एडवांस लेवल और सबमिट, इसके बाद आएगा थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी विल गेट इन टच यू शॉर्टली। अब उसके बाद जो क्लाइंट है जिसका आपने ईमेल दिया है, जो कि अभी मैं ही हूँ, वो अपना ईमेल आईडी चेक करेगा और ये देखो उसे ईमेल आई हुई है, इस पर डबल क्लिक करेगा। देखो जी फ्रॉम info@bytechsolutions, जो मैंने कहा था ब्रांडेड ईमेल, टू सलीमी, जो कि मेरी ही वेबसाइट है, मैंने अपना दिया था। रिप्लाई किसको, सप्तान एट आउटलुक, जो मैंने इस फील्ड में, जो यहाँ पे फील्ड थी, जो मैंने आपको दिखाता हूं यहाँ पे, जो मैंने इस फील्ड में लिखा था उसको रिप्लाई होगा। मतलब मैं अगर रिप्लाई के बटन पे क्लिक करूंगा तो उस बंदे को रिप्लाई देगा जिसने फॉर्म फिल किया, और अभी मैं ही हूं वो। और विच कोर्स, ये सारी इंफॉर्मेशन देखो आ गई। और अगर मैं एज अ क्लाइंट कह लो या मेरी ही वेबसाइट है, मैं रिप्लाई करता हूँ, तो रिप्लाई इन्फो पे नहीं जाएगा, रिप्लाई सत्यान एट आउटलुक पे जाएगा। ये देखो टू में सत्यान एट आउटलुक ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
अगर आप ये reply to में add नहीं करोगे तो फिर info को जो है वो चला जाएगा। अगर आप यहाँ पे reply to भी add नहीं करोगे जो field आपने रखी है तो फिर info को ही reply हो जाएगा, तो वो उसी बंदे की website पे आ जाएगा आप अगेन email जो भी email आपने किया होगा। तो यहाँ पे जिस बंदे को ईमेल जाना चाहिए वो आपके क्लाइंट की वेबसाइट है तो क्लाइंट को, आपकी अपनी वेबसाइट है तो आपको। यहाँ पे ब्रांडेड होना चाहिए ईमेल, ठीक है, और यहाँ पे जो फील्ड ईमेल के आपने ऐड किया उसको सिलेक्ट कर देना और अपडेट नोटिफिकेशन। तो जनाब ये था आपका ग्रेविटी फॉर्म। हाँ एक चीज रह गई वो मैं आपको बता दूं, आपके पास सारी एंट्रीज आ गई, ये फॉर्म है, ये एंट्रीज है यहाँ से। अब आपने एंट्रीज एक्सपोर्ट करनी है एक्सेल की फाइल में, इसका एनालिसिस करना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, सिलेक्ट फॉर्म, कौन सी एंट्री एक्सपोर्ट करनी है सारी सिलेक्ट कर लोगे, ये एक्स्ट्रा एंट्रीज है नीचे। डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो, लॉजिक भी लगा सकते हो कि फॉर एग्जांपल सिर्फ उन्हीं का डाटा दो जिन्होंने वर्डप्रेस ट्रेनिंग करनी है, और डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल, आपके पास एक्सपोर्ट फाइल आ जाएगी, जितनी एंट्रीज हुई होंगी वो सारी आ जाएंगी। ये देखो ये देखो, अभी एक ही थी हमारे पास एंट्री, तो सारा डाटा जो है वो हमारे पास आ गया यहाँ पे। तो इसलिए ग्रेविटी फॉर्म जो है वो बेस्ट है कोई भी फॉर्म बनाने के लिए। इसमें और बड़ी चीजें हैं वो इंशाल्लाह जैसे जैसे आपको क्लाइंट आएगा उसके वक्त के साथ साथ आप देखते रहोगे। मैंने आपको बताया कि किस तरह ये फॉर्म बनाया जाता है, कंडीशनल लॉजिक किस तरह की जाती है, मास्क किस तरह इनपुट किया जाता है, कंफर्मेशन क्या होती है, नोटिफिकेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें। तो ये काफ़ी है आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक स्टूडेंट है जिसने सिर्फ तकरीबन 2 लाख के करीब सिर्फ इस ग्रेविटी फॉर्म के प्लगइन से फाइवर से कमाया है। तो आप इस पर काफ़ी ग्रिप हासिल करो, काफ़ी डिफरेंट फॉर्म देखो नेट से वो बनाओ, तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये आ जाएगा। तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।